स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इग्नू की तरफ से दिसंबर एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया गया है और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो है एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड बहुत से डाउट है, जैसे कि एग्जाम का फाइनल डेट शीट कब आएगा, टेंटेटिव एग्जाम डेट शीट किस तरीके से डाउनलोड करे। हमारा रीजनल सेंटर दिल्ली में है और स्टडी सेंटर भी दिल्ली में है और हम एग्जाम जो है कहीं और देना चाहते हैं, जैसे कि पटना में या फिर कहीं और देना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है। साथ ही में हम अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दी है पर जो है पेमेंट का स्लिप डाउनलोड नहीं हुआ है, तो वो किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है और एग्जाम फीस पे करने जा रहे हैं तो वहाँ पर बता रहा है कि हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। और साथ ही में हम अपना एग्जामिनेशन फीस जो है जून में ही पे कर चुके हैं, तो क्या हमें दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा या फिर हम अपना एग्जाम सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से हम अपना एग्जाम सेंटर चेंज करवा सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए कम्प्लीट देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ रजिस्टर ऑनलाइन पर आएंगे, यहाँ टर्म एंड एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो ये पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एग्जाम के बारे में सभी डिटेल बताया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपका डाउट है वो ये है कि हम अपना एग्जाम पहले ही दे चुके हैं और हमारा एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो क्या हम उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फीस अभी पे कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका आंसर आप एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं। इग्नू की तरफ से ये जो एग्जाम फॉर्म रिलीज किया गया है इसमें भी आपको ये चीजें बताया गया है कि अगर आपके जून टर्म एंड एग्जाम का रिजल्ट जो है किसी भी सब्जेक्ट का डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप जो है आपको यहाँ पर एडवाइस दिया जाता है कि आप जो है लास्ट डेट से पहले ही अपना एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज जो है लास्ट डेट के बाद जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके किसी सब्जेक्ट का एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है तो आप जो है एग्जामिनेशन फीस पे कर सकती है। साथ ही में यहाँ पर आपका दूसरा सवाल ये है कि हम अपना एग्जामिनेशन फीस पे करने जाते हैं और हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है पर वहाँ पर बताया जाता है कि हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर हम जिस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फीस पे करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ही वहाँ पर ओपन होके नहीं आ रहा है, तो क्या करना होगा। तो देखिए इस समस्या का दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो यही है कि अभी जो एग्जाम फॉर्म रिलीज किया गया है इसमें अभी कई चेंजेस होने बाकी है, तो आप जो है 2 या 3 दिन वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि 2 या 3 दिन के बाद जो है आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दिया जाए। अगर 2 या 3 दिन बाद इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया जाता है तो यहाँ पर देखिए नंबर 5 वाले पॉइंट में आपको इसका सॉल्यूशन बताया भी गया है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर आपको बताया भी गया है तो आप जो है इग्नू को ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया गया है registrarsrd@ignu.ac.in या फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। साथ ही में आप में से कई स्टूडेंट का ये सवाल भी है कि हमने तो जून में ही अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दिए है तो क्या हमें दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए यहाँ पर आपको नंबर 7 वाले पॉइंट में ये चीजें क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आप जून टर्म एंड एग्जाम के लिए पहले ही अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दिए है और आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं किया गया था या फिर आपका हॉल टिकट रिलीज किया गया था पर आप एग्जाम नहीं दिए है और आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते है तो आप जो है एग्जाम दे सकते हैं पर इसके लिए आपको जो है दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करना होगा। आपका हॉल टिकट जो है इग्नू के वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा जब भी हॉल टिकट आएगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आप जून में ही अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दी है तो आपको दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करना होगा। साथ ही में आप में से कई स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि हम जो है अपना एग्जामिनेशन फीस जून में ही पे कर दिए है और हम अपना एग्जाम सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है। तो नंबर 10 वाले पॉइंट में आपको ये चीजें क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आप जून में ही अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दिए है और आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो ये चीजें पॉसिबल है। इसके लिए आपको जो है फ्रेश एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। किस तरीके से भरेंगे चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसके लिए आप इसी वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ नीचे करेंगे इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम कोड डालेंगे, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपका जो भी रीजनल सेंटर है एग्जामिनेशन रीजनल सेंटर वो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है आपका सभी डिटेल ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एग्जाम सेंटर कोड और यहाँ पर जो है आप नया एग्जाम सेंटर का कोड सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी एग्जाम सेंटर पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद आप नीचे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके
तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कोर्स कोड एंड सेंटर ऑलरेडी फील्ड फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020। और यहाँ पर देखिए, आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फीस पहले ही पे कर चुके होंगे, यहाँ पर इस तरीके से जो है आपको वो सब्जेक्ट कोड भी दिखा देगा जिस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फीस आप पहले ही पे कर चुके हैं, और जो एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट किए हैं वो एग्जाम सेंटर का यहाँ पर कोड भी आ जाएगा। तो अगर आप नया एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको दिख जाएगा डू यू वांट टू ऐड मोर कोर्स, अगर आप यहाँ पर कोई और कोर्स ऐड करना चाहते हैं जिसका आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, तो आगे का जो भी प्रोसेस होगा ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप में से कई स्टूडेंट का ये सवाल है कि हम अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दिए है पर हमारा पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुआ है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको इस समस्या का समाधान बताया गया है। अगर आप एग्जामिनेशन फीस पे कर दिए है और आपका एग्जाम फीस जो है एक्नोलॉजमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुआ है, तो आपको जो है 72 घंटे तक वेट करना होगा। और यहाँ पर आपको एक लिंक भी दिया गया है सर्च ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आप अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कि अगर आपके पेमेंट का स्टेटस कुछ भी ओपन होकर नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा, और आपका जो पहले वाला अमाउंट कट हुआ था उसका रिफंड लेने के लिए आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है, इस पर आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। और अगर यहाँ पर आपके पेमेंट का स्टेटस अपडेट हो जाता है तो यहाँ से आप अपना पेमेंट का स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल करके सबमिट करेंगे, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका कंट्रोलर नंबर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एक्नोलॉजमेंट स्लिप है, पेमेंट स्लिप है, वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। और आप में से कई स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि हम अपना एग्जाम का टेंटेटिव डेट शीट किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो जब आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे और आपका जो पेमेंट स्लिप जनरेट होगा उसी पर जो है आपका टेंटेटिव डेट शीट लिखा हुआ रहता है, नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर टेंटेटिव डेट शीट आ जाएगा। और यहाँ पर आपका एग्जाम का आपको डेट भी बता दिया जाता है, पर ये टेंटेटिव है तो यहाँ पर जो इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। और जो आपका फाइनल एग्जाम डेट शीट है वो अभी रिलीज नहीं किया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो फाइनल एग्जाम का डेट शीट है उसे बहुत ही जल्द इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पेमेंट का स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और आप में से कई स्टूडेंट का ये सवाल है कि हमारा एग्जाम सेंटर और स्टडी सेंटर जो है दिल्ली में है और हम एग्जाम जो है कहीं और देना चाहते हैं जैसे कि पटना में, झारखंड में या फिर कहीं और, तो क्या ये पॉसिबल है। तो इसका आंसर है यस, ये चीजें पॉसिबल है। जब आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप जो है कौन से रीजनल सेंटर पर अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो रीजनल सेंटर बताना होता है जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आपका एग्जाम सेंटर और स्टडी सेंटर दिल्ली में है और आप एग्जाम जो है दरभंगा में या फिर कहीं और देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर वही सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोग्राम कोड डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एग्जाम सेंटर कोड। तो आप जो भी रीजनल सेंटर सेलेक्ट करेंगे उस रीजनल सेंटर के अंतर्गत जितने भी एग्जाम सेंटर आते होंगे यहाँ पर उसका लिस्ट आ जाएगा, तो आप जिस भी एग्जाम सेंटर पर अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसके अलावा आप किस तरीके से एग्जाम फीस भर सकते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल में पहले वीडियो बनाया हुआ है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया गया है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आप एग्जाम देने के लिए दिसंबर सेशन में एलिजिबल है या नहीं, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, दोनों ही वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे, यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।